इंदौर पूरे देश में कोरोना टीकाकरण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। जहां कोरोना टीकाकरण शिविर बनाए गए हैं, वहीं इंदौर में भी टीकाकरण कार्यक्रम 21 जून से शुरू हुए महाअभियान से काफी तेज चलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये अभियान थोड़ा थम चुका है। इस टीकाकरण अभियान को बढ़ाने के उद्देश्य से निगम के द्वारा तैयारी की जा रही है। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि लगातार इंदौर में टीकाकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। लगभग 76% लोगों को इंदौर में पहला डोज लग चुका है और इस महीने का हमारा लक्ष्य लोगों को 100% वैक्सीनेट करने का है, जिसमें जिन लोगों को पहला डोज लग गया उन्हें दूसरा डोज लगाया जाएगा। जिन्हें कोरोना की तीसरी लहर में जनहानि ना हो, उन्होंने कहा कि जिन लोगों को भी टीकाकरण दिया जा रहा है उन्हें मोबाइल नंबर के आधार पर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। जिनके सर्टिफिकेट नहीं हुए वो स्वयं भी अपने मोबाइल नंबर से ऑनलाइन सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। इंदौर में वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके का माहौल है उसमें लगातार हम लोग वैक्सीनेशन की ओर बढ़ रहे हैं और अब तक लगभग 76% लोग ऐसे हैं 18+ से ऊपर के जिनको वैक्सीनेटेड किया जा चुका है फर्स्ट डोज से। अब चूंकि कई सारे लोग अपने लोग ये ड्राइव लगभग अप्रैल से बहुत तेज़ी से चला रहे हैं, तो कई सारे लोगों का सेकेंड डोज ड्यू हो रहा है, तो इस मंथ में ये टारगेट रखा गया है मुख्यतः कि हम लोग सेकेंड डोज से लोगों को वैक्सीनेटेड करें। बेसिकली जब किसी व्यक्ति को दोनों डोज पूरे लग जाते हैं और 20-22 दिन बाद इतनी एंटीबॉडीज आती हैं कि किसी भी वायरस को होल्ड कर सकें, और अगर कभी जो लोग पॉजिटिव होते भी हैं तो उनमें जो सीवियरिटी रहती है वो कम रहती है, जो कि रिसर्च कहते हैं। तो इसलिए हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी सेकेंड डोज ड्यू हैं उन सभी के 100% वैक्सीनेशन होते रहें ताकि ये नंबर बढ़ता रहे, और जब भी जैसे वैक्सीन्स मिलते जाएंगे वैसे वैसे वैक्सीनेशन आगे बढ़ता जाएगा।